अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अय्याज़ राज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का लोग करते हैं जी शुरू। आज मैं आप लोगों को गन्ने का खेत और सब्जियों का खेत दिखाऊंगा कि सब्ज़ी किस तरह गांव में काश्त की जाती है, कितने दिन में तैयार होती है, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। चलो दिखाता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गोभी, गांव में ताज़ा गोभी किस तरह तैयार की जाती है। ज़्यादा अगर शहरी लोग होते हैं ना, वो गांव की लाइफ को बहुत इंजॉय करते हैं, गांव में घूमना पसंद करते हैं, जो ताज़ा सब्जियों को बहुत लाइक करते हैं शहरी लोग होते हैं। और गांव में कोई भी चीज़ हो ताज़ा तो अच्छी ही बनती है, बहुत ही अच्छी, क्या बहुत ही मज़े की बनती है कोई भी ताज़ा चीज़ हो। लोग तो जो शहरों में रहते हैं उनको कहाँ ताज़ा मिलती है, गांव से, गांव में तो बिल्कुल ताज़ा होती है। फिर आप लोगों को दिखाता हूँ गोभी, ताज़ा गोभी दिखाता हूँ। और घर पे जब इसका सालन बनाया जाता है तो बहुत ही मज़े का बनता है, तो क्या बताऊँ, गांव की लाइफ बहुत मज़े की है। जो गांव में रहते हैं उनको पता है, शहरियों को थोड़ी ना पता है। बहुत मज़े होते हैं गाँव में, ताज़ा सब्ज़ी मिलती है, ताज़ा फ्रूट मिलता है, हर चीज़ ताज़ा मिलती है गाँव में। ये देखें, गोभी के खेत में आ गया हूँ, आप लोगों को गोभी दिखाता हूँ। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप पौधा देख रहे हैं, गोभी का पौधा है, इसमें गोभी वगैरह लगी हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें पौधे लगे हुए हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा लातादाद में गोभियाँ लगती हैं। जैसे जैसे इनमें से फूल बनते जाएंगे, वहाँ पर गोभी लगेगी, तो उस गोभी को हम काटे काट के पंडों में बांध के मंडी में सेल कर सकते हैं। चलो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ गांव की ताज़ा सब्ज़ी। आ जाओ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें गोभी का फूल, माशाल्लाह कितना प्यारा है, छोटा सा वाइट कलर का, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। जब इसको हम पकाते हैं, खाना बनाते हैं, तो इतना मज़ेदार बनता है, दिल ही नहीं करता कि खाना खाना बस कर दें, बहुत ही मज़े का होता है। ताज़ा जो भी सब्ज़ी वगैरह कोई भी बनाई जाए घर में, तो वो माशाल्लाह के साथ बहुत ही प्यारी बनती है। ये देखें नज़ारा, इतने ठंडे ठंडे इसके ये वाले पत्ते हैं, तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हम। और बड़े बड़े हैं, देखिए हर एक पौधे में फूल, हर एक इसमें गोभी के फूल में ये लगी हुई है, गोभी लगी हुई है, माशाल्लाह। दे अभी आप लोगों को दिखाता हूँ तोड़ के। ये देखें मैंने अभी तोड़ ली है, अब इसको मैं खा के दिखाऊंगा कैसा जायका है इस गोभी का। चलो खाते हैं, बहुत ही मज़े का है, मीठी मीठी लग रही है, कोई कड़वास नहीं है। कोई भी चीज़ होती है ताज़ा तो बहुत ही मज़ेदार होती है। दोबारा ट्राई करता हूँ मैं इसको, बहुत मज़े की है, मज़ा ही आ गया। और साथ ही ये गन्ने का खेत है, ताज़ा गन्ने लगे हुए हैं। इस वाले गन्ने का नाम 26 कमाल लगा हुआ है, ताज़ा गन्ने का खेत है। आप लोगों को दिखाता हूँ, जो शहरी होते हैं वो तो शहर में जाकर इनका रस वगैरह पी लेते हैं, तो गांव में इस तरह नहीं होता। जो गांव के लोग होते हैं वो किसी चीज़ से इसको गन्ने को काटते हैं, काट के उसके गन्ने को काट के फिर इसको चूस लेते हैं, इसका रस निकाल लेते हैं, बहुत ही मज़े का इसका रस होता है। आप भी ट्राई करके देखें, गांव में आए, लोगों ने देखा होगा कि शहरों में जगह जगह पर जूस की रेहड़ियाँ लगी होती हैं, बहुत ही मज़े का जूस होता है गन्ने का। यहाँ पर आए, यहाँ पर शहर के लोग बहुत ही शौक से इसको गन्ने के रस को पीते हैं। ये जो आप गन्ने का खेत देख रहे हैं, इसकी चीनी भी बनती है और इसका गुड़ भी बनता है। और इसमें ये देखें काफ़ी बड़े बड़े गन्ने लगे हुए हैं, कम से कम 10-15 फुट का एक गन्ना है। और ये भैंसों के चारे के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और जो इनकी ये परें होती हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक होती हैं, अगर चेहरे या किसी भी हाथ वगैरह पे लग जाती है तो उसमें से यहाँ से ज़ख़म हो सकता है। ये काफ़ी बड़ा गन्ने का खेत है, 2-4 किले के अंदर एक खेत मौजूद है। जब इस गन्ने को हमें तोड़ना या काटना चाहिए, तो बहुत ही ध्यान से अपने हिफाजत के साथ इसको काटना चाहिए, ताकि हाथ को ज़ख्म से बचाया जा सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि हमारी न्यू से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अय्याज़ राज को दो अभी इजाज़त, दो में मुझे याद रखना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।